सोचो अब क्या हाल होगा। ओह माय गॉड, मतलब मेरी किस्मत कभी अच्छी नहीं रही। कभी कब आओगी, कब आओगी, कब आओगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रबी बानो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक मेकअप चैलेंज। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैलेंज है, तो मैं काफ़ी दिनों से ये चैलेंज करने की सोच रही थी और मैंने अपने चैनल पे अभी तक सिर्फ एक ही चैलेंज अपलोड किया है और चैलेंज अपलोड नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि ये चैलेंज वीडियो क्यों ना बनाई जाए, और तो मैं करने जा रही हूँ एक चिट चैलेंज। तो काफ़ी लोगों को पता होगा कि ये चिट चैलेंज क्या होता है, और जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन लोगों को बता दूँ कि मैंने जो मेकअप के जो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, मैंने उन सब के नाम एक चिट पे रख दिए हैं। और फिर मैं उस चिट में से रैंडमली एक चिट को पिक करूँगी और जो भी मेरे चिट में आएगा मैं उसे अप्लाई करूँगी। सो गाइस, तो ये मेकअप स्टेप बाय स्टेप नहीं होगा, जो भी चिट में आएगा उसे ही मुझे पहले अप्लाई करना है। तो देखते हैं कैसा चैलेंज रहता है, पास होती हूँ या फेल होती हूँ। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास ही बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मैं जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। विदाउट फॉर द डिले वीडियो को स्टार्ट कर। तो ये रहा वो बॉक्स जिसमें मैंने सारे मेकअप के नाम लिख के रख दिए हैं, चिट बना कर रखे हैं पूरे, तो आप देख सकते हैं। सो गाइज, तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैंने स्किन केयर पहले से ही कर लिया है, मॉइस्चराइज़र तक मैंने अपना स्किन प्रेप कर लिया, क्योंकि ये स्किन केयर का नहीं था, मेकअप का था। तो मैंने प्राइमर से ही चिट बनाया है, तो मैं प्राइमर से ही स्टार्ट कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़र मैंने पहले से ही अप्लाई कर लिया। लेट्स डू दिस। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या आया है। आईलाइनर, पहले ही आईलाइनर आ गया। सोचो अब क्या हाल होगा मेरा। यहाँ मतलब कुछ नहीं, पाउडर, कंसीलर, फाउंडेशन, प्राइमर, कुछ भी नहीं आया, आई शेडो भी नहीं आया, सीधा आईलाइनर। यहाँ मैंने लैक्मे 925 की स्केच आईलाइनर यूज़ करी। सो गाइस, मैंने आईलाइनर अप्लाई कर लिया है। अब नेक्स्ट, चलो देखते हैं इसमें क्या आया है। ओह माय गॉड, मतलब मेरी किस्मत कभी अच्छी नहीं रही, कभी कभी नहीं। हाइलाइटर, तो मैं यहाँ फैशन कलर का हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। कभी मेरी किस्मत अच्छी नहीं लगती है, मेरे को ऐसा लगता है, बट चैलेंज बाई चैलेंज चैलेंज तो कंप्लीट करना ही है। तो जो है हाईलाइट लग चुका है हमारा। अब इस चीज को मैं रखती हूँ एक साइड पे एंड हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट ये वाला, देखते हैं अब इसमें क्या है। लिपस्टिक, चल लिपस्टिक से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो गाइस, लिपस्टिक अप्लाई हो चुकी है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट चिट की ओर। एंड अब देखते हैं इसमें क्या आया है। आई शेडो, मतलब आई लाइनर के बाद आई शेडो, ठीक है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ डव ब्यूटी की न्यूड पैलेट एंड चलो आई शेडो भी लगा ही लेते हैं। तो मेरा आई मेकअप जो है डन हो चुका है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखते हैं क्या है। काजल, यानी कि ये आई मेकअप सोच रहा है कि पहले कर लूँ कंप्लीट फिर बेस मेकअप करेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात है।
सो गाइस मैंने काजल भी अप्लाई कर लिया है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो गाइज मेरा मस्कारा भी डन हो चुका है, यहाँ मैंने HR का मस्कारा यूज़ किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट शीट की तरफ। चलो देखते हैं इसमें क्या आया है। हो गया ना, बर्बाद हो गया। सेटिंग स्प्रे, मतलब फाउंडेशन लगा नहीं, कंसीलर लगा नहीं, ब्लश लगा नहीं, कलर सेटिंग स्प्रे। ठीक है, सेटिंग स्प्रे भी लगा लेते हैं। यहाँ मैंने किस ब्यूटी की सेटिंग स्प्रे यूज किया है। सेटिंग स्प्रे भी डन हो चुका है, अब चलते हैं नेक्स्ट शीट की तरफ। चलो देखते हैं इसमें क्या आया है। आईब्रोज, ठीक है। तो गाइज मैंने आईब्रो भी फिल कर ली है अपनी, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये रहा चेक का डब्बा एंड ये, चल देखते हैं क्या है। ओह लाइफ लाइन, लाइफ लाइन का मतलब ये है कि मेरा मेकअप जो बिगड़ रहा है उसे मैं एक स्टेप से ठीक कर सकती हूँ। तो मैं यूज़ करूँगी प्राइमर, क्योंकि प्राइमर अगर लास्ट में लगा ना तो वो पूरा मेरे मेकअप को बर्बाद कर देगा, तो मैं प्राइमर लगाऊंगी। हाँ तो ये रहा प्राइमर, यहाँ पर मैंने ब्लू एवन का प्राइमर यूज़ किया है। तो ये मैंने थोड़ा सा प्राइमर लिया और अपने टी जोन एरिया पर लगा दिया। काश ये हाइलाइटर के पहले आता ना तो मेरा बेस तो अच्छा हो जाता, मतलब बेस अच्छा हो ही जाता। इसने मेरे हाइलाइटर को पूरा हटा दिया है। चलो एक चीज़ तो मेरे साथ अच्छी हो गई है, बट हाइलाइटर मिट गया, कोई बात नहीं, फाउंडेशन कंसीलर अच्छे से तो लगेगा। हाँ तो मैंने प्राइमर अप्लाई कर लिया है अच्छे से, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये मैंने पिक कर लिया एंड इसमें क्या आया है देखते हैं। ब्लश, मतलब फाउंडेशन नहीं आएगा क्या, फाउंडेशन कंसीलर नहीं आएगा क्या, ब्लश। ठीक है प्राइमर के बाद ब्लश लगा लेते हैं। प्राइमर में ना ब्लेंड नहीं हो रहा ब्रश, इसलिए थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। मैंने थोड़ा सा ही अप्लाई किया है बट ये ना ब्लेंड नहीं हो रहा अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। तो ये रहा नेक्स्ट, अच्छा ना प्राइमर। प्राइमर तो मैंने इसके मतलब लगा लिया है तो ये मैं साइड में कर देती हूँ। नेक्स्ट, चलो देखते हैं इसमें क्या आया है। पाउडर, फाउंडेशन कंसीलर तुम कब आओगी कब आओगी कब आओगी। मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे का लूज पाउडर, रोज वाला। फाउंडेशन तो लगा नहीं है किसी, सेट करूँ हल्का से ही लगा लेती हूँ। चलो नेक्स्ट देखते हैं ये वाला।
खुल गया इनको देख के। फाउंडेशन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लाइक मैं इनविजिबल का फाउंडेशन। चलो थोड़ा थोड़ा लगा ही लेते हैं भी। अब दो ही चीज़ें बची हुई हैं। ये वाला मैंने पिक किया है एंड कंटूर, ठीक है। तो कंटूरिंग हो चुकी है, अब बचा है सिर्फ एक ही, वो सब आप भी जानते हो। एक ही चीज बची है और वो मुझे पता है क्या है। क्या हुआ, गेस करो आप। कंसीलर, मैं यहाँ HR का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। सो गाइज, तो ये है मेरा फाइनल लुक। तो अब इसे रिव्यू करते हैं इस मेकअप को। सो गाइज, ये कैमरे में थोड़ा अच्छा दिख रहा है बट रियल में उतना खास नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो लिप पे है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा कंसीलर लगा होता ना तो जो डार्कनेस है वो छुप जाते हैं और आई शेडो का कलर थोड़ा अच्छा निकल के आता। और हाइलाइटर का तो गाइस पता ही नहीं चल रहा बिल्कुल, हाइलाइटर लगाया कि नहीं लगाया। और फाउंडेशन लगने की वजह से थोड़ा सा ऑयलीनेस लग रहा है, क्योंकि ऊपर से पाउडर लगता है तो थोड़ा अच्छा मैट फिनिश आता है, बट यहाँ पर थोड़ा ऑयली ऑयली टाइप फील हो रहा है। और गाइस, ब्लश तो थोड़ा बहुत, रियल में बताऊँ तो यहाँ पर थोड़ा बहुत दिख रहा है, कैमरे में पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इस साइड तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, रियल में भी नहीं दिख रहा है, और इस साइड हल्का हल्का ब्लश दिख रहा है। और कंसीलर भी ठीक है, ब्रॉन्जर मतलब कॉन्टोर भी ठीक है, लिपस्टिक भी ठीक है, बाकी सब ठीक है, बट हाइलाइटर का नहीं पता चल रहा है, ब्लश का भी नहीं पता चल रहा है। हाँ, सो गाइज, आप कि क्या रिव्यू है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फन चैलेंज था। और एंड आप मुझे इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ ID स्क्रीन पे दी होगी, तो मुझे ज़रूर फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल व्यूअर्स जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू सो मच आप सभी का। और थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।